नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टैटिस्टिक्स। आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अगर हम देखें तो ये UGSTAT 102 के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का ब्लॉक 1 प्रोबेबिलिटी थ्योरी का फर्स्ट यूनिट रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में यहाँ पर आज डिस्कशन किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है या क्या है ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी या क्या ये प्रोबेबिलिटी वर्ड क्या है? तो जो भी अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं हमारे पास, जो हमारी लाइफ में हम डे टू डे देखते हैं, बहुत सारे अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं कि हमारा इनपुट ये है लेकिन रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं, तो अगर एक कॉइन है हमारे पास, उस कॉइन को हमने टॉस किया, अब हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। अगर वो कॉइन अनबाइज्ड है तो अगर हम उसको टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये जो इवेंट या ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट होगा। इसी तरीके से सेम, अगर एक हमारे पास डाई मतलब एक पासा है जिसमें 1 से लेकर 6 तक, जिससे कि लूडो खेलते हैं वो है, और 1 से लेकर 6 तक उसमें नंबर्स हैं। एक बार हमने उस पासे को थ्रो किया, पासे को थ्रो करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर उसमें आ सकता है। तो ये जो इवेंट है उसमें फिक्स नहीं है कि 1 ही आएगा, फिक्स नहीं है कि 2 ही आएगा, या फिक्स नहीं है कि 6 ही आएगा, 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है हमारे पास। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स कहलाते हैं। आगे हम इसको देखते हैं। ये यूनिट 1 रैंडम एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ब्लॉक 1 की यूनिट 1 है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और ये UGSTAT 101 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का पार्ट है। जैसा कि अभी पहले हमने बताया था कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, या फिर डिटर्मिनिस्टिक फिनोमिना और प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमिना। अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं डिटर्मिनिस्टिक और प्रिडिक्टेबल फिनोमिना क्या होता है, इसको अगर देखते हैं। इन दिस रिजल्ट और आउटकम्स आर यूनिक और सर्टेन। जो भी हम इनपुट देते हैं उसके बाद हमारे पास क्या उसका आउटकम आता है, क्या रिजल्ट आता है, वो सर्टेन होता है और यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ परफेक्ट गैस PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहाँ P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। प्रेशर अगर हमारा निश्चित है, वॉल्यूम निश्चित है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये भी एक कॉन्स्टेंट, ये भी एक निश्चित है, पता है पहले से, यूनिक है, सर्टेन है। इन केस ऑफ वेलोसिटी V इज इक्वल्स टू U+AT, जहाँ की U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सीलरेशन एंड T टाइम है। अगर ये तीनों जो इनपुट है U, A और T, तीनों की वैल्यू फिक्स है, तो V की वैल्यू भी एक सर्टन वैल्यू आएगी जो कि फिक्स होगी। इस तरीके के जो भी मॉडल्स होते हैं, जो भी फिनोमिना होते हैं, वो डिटर्मिनिस्टिक और प्रिडिक्टेबल फिनोमिना कहलाते हैं। अब आते हैं दूसरे पर, प्रोबेबिलिस्टिक और अनप्रिडिक्टेबल फिनोमिना। पहले भी बता चुके हैं कि इसमें रिजल्ट्स के बारे में या आउटकम्स जो हैं वो सर्टेन नहीं होते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कुछ इनपुट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस हुआ, रिजल्ट क्या आएगा ये पहले से नहीं पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले भी दिया था आपको, इन केस ऑफ टॉसिंग ऑफ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करते हैं, बिल्कुल श्योर नहीं है पहले से कि हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ, ये ज़रूर निश्चित है कि हेड या टेल में से ही कुछ आएगा, पर इस पर्टिकुलर टॉस में क्या आ रहा है ये निश्चित नहीं है। इन केस ऑफ डाई, नॉट श्योर अबाउट आउटकम फ्रॉम 1 to 6। डाई के केस में हमने थ्रो किया, डाई थ्रो किया, 1 से लेकर 6 के बीच में ही कुछ ना कुछ आएगा, पर कौन सा डिजिट आएगा ये भी फिक्स नहीं है। इन केस ऑफ कार्ड्स, नॉट श्योर अबाउट पर्टिकुलर कार्ड। कार्ड प्ले किया जा रहा है, कार्ड को थ्रो किया गया, अब वो कार्ड कौन सा होगा, किंग होगा, क्वीन होगा, इक्का होगा या क्या होगा, पहले से कुछ भी निश्चित नहीं है, कोई सा भी हो सकता है। तो इस तरीके के जो फिनोमिना है वो प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमिना या अनप्रिडिक्टेबल फिनोमिना कहलाते हैं। अब अगर हम आते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी प्रोबेबिलिटी थ्योरी की, या किसने इसको सबसे पहले पॉइंट आउट किया, किसने इसको सबसे पहले कहा कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ी। तो अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ गैम्बलर्स डिस्प्यूट इन 1654 कंसर्निंग द डिवीज़न ऑफ ए स्टैक बिटवीन 2 players हुज गेम वॉज इंटरप्टेड बिफोर इट्स क्लोज। द मैथड यूज टू कम्प्यूट दीज प्रोबेबिलिटीज़ वर मेनली
combinatorial. The theory of probability had its origin in games of chance and gambling. The modern mathematical theory of probability has its roots in attempts to analyze games of chance by Gramello Cardano in the 16th century and by Pierre de Fermat and Blaise Pascal in 17th century, for example, the problem of points. Probability theory को पढ़ने से पहले कुछ definitions, कुछ terms हमको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि ये definition, ये जो terms हैं, ये बार बार पूरी probability theory में हमारे पास आते रहेंगे. इसलिए इनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है. In probability theory, we are mainly concerned with the random experiment. Random experiment क्या होता है? In random experiment, we cannot predict the exact outcome of the experiment, but we know the set of all possible outcomes. Random experiment में exact outcome क्या है ये बिल्कुल पता नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या क्या results आ सकते हैं ये पता होगा, लेकिन इस throw में या इस particular experiment में क्या exact होगा ये नहीं पता. इससे पहले भी example दिया है, in case of die के case में ये पहले से पता है कि 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन पर्टिकुलर थ्रो में कौन सा नंबर आएगा ये पहले से नहीं पता है. इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा. सेम एज सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. जितने भी उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं वो सभी का जो है स्पेस वो सैम्पल स्पेस कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल इन कॉसिंग ऑफ ए ट्वाइन, सैम्पल स्पेस जिसे कि सिग्मा से डिनोट किया गया है इज हेड एंड टेल, एच एंड टी. थ्रो ए डाई, द सैम्पल स्पेस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. टॉस ए क्वाइन अनटिल वी ऑब्टेन हेड. एक क्वाइन को हम बार बार टॉस कर रहे हैं और उसमें हेड कब तक आ रहा है ये हम कर रहे हैं. फर्स्ट थ्रो में हेड आ सकता है एच, सेकेंड थ्रो में हेड आ सकता है, फर्स्ट में आया टेल देन हेड, थर्ड में हेड आया टेल टेल एंड हेड, फोर्थ में हेड आया टेल टेल एंड हेड एंड सो ऑन. सैम्पल स्पेस हैज़ काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल लाइफ ऑफ ए बल्ब इन आवर्स. एक बल्ब की लाइफ क्या है आवर्स में, सैम्पल स्पेस में अगर हम उसको डिनोट करते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू टी. टी लाइज बिटवीन 0 to infinite. सैम्पल स्पेस इस तरीके का जो सैम्पल स्पेस है वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ ट्रायल एंड इवेंट. ट्रायल क्या है? द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ट्रायल. जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसे ट्रायल के नाम से जाना जाता है. एंड आउटकम्स आर नोन एज इवेंट और केसेस. जो आउटकम्स जो रिजल्ट हैं इवेंट का नोन एज इवेंट और केसेस, उसके इवेंट या केसेस के उससे जाना जाता है, उसको डिफाइन किया जा सकता है. टॉसिंग ए क्वाइन इज ए ट्रायल एंड गेटिंग हेड और टेल इज एन इवेंट. थ्रोइंग ऑफ ए डाई इज ए ट्रायल एंड गेटिंग 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 इज द इवेंट. ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल कार्ड इन अ ट्रायल एंड गेटिंग ऑफ ए किंग एंड क्वीन. इवेंट क्या है? इज ए सेट. इवेंट इज ए सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. ऑब्वियसली एंड इवेंट इज ए सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस में क्या था? हमारे पास सारे आउटकम्स थे और इवेंट उसका एक पार्ट है, उसका सबसेट है. तो सिग्मा जो सैम्पल स्पेस है वो श्योर इवेंट है एंड फाई नल और इम्पॉसिबल इवेंट है. अब आती है डेफिनेशन एग्जॉस्टिव इवेंट्स की. ये वर्ड भी बार बार यूज़ होगा. एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एनी ट्रायल इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट और केसेस. टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट जो भी होंगे किसी भी ट्रायल के वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे. इन केस ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन देयर आर 2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स, हेड एंड टेल. थ्रोइंग ऑफ ए डाई देयर आर 6 एग्जॉस्टिव केसेस, 1, 2, 3 और 4 और 5 और 6. ड्राइंग ए कार्ड देयर आर 52 एग्जॉस्टिव केसेस, क्योंकि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं. फेवरेबल इवेंट और केसेस. फेवरेबल इवेंट क्या होगा? द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट इन ए ट्रायल इज ए नंबर ऑफ आउटकम्स विच इनिशियल द हैपनिंग ऑफ द इवेंट. फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग ऑफ 2 डाई द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू गेटिंग सम 5. 2 डाई हम थ्रो कर रहे हैं
और हमारे पास उनके जो रिजल्ट का जो सम आए वो 5 आए, तो कैसे होगा? वो 1 4 4 1 2 3 या 3 2। फर्स्ट बार हमने किया, फर्स्ट डाई में 1 आया, सेकंड में 4 आया, 4 आया या 1 आया, 2 आया या 3 आया, 3 आया या 4 आया। ड्राइंग ऑफ ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ड्राइंग ऑफ एन एग इज 4, द ड्राइंग ऑफ स्पेड इज 13 एंड ड्राइंग ऑफ रेड कार्ड इज 26। इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक कार्ड वर्ल्ड कार्ड के पैक में 4 एग यानी इक्का होता है, स्पेड 13 होते हैं और रेड कार्ड्स 26 होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इफ हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ प्रिक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ ऑल अदर्स, मतलब एक का होना दूसरे सभी रिजल्ट को रोक देता है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। दैट इज इफ नो टू और मोर देम कैन हैपन साइमल्टेनियसली इन सेम ट्रायल, मतलब एक ही ट्रायल में एक ही रिजल्ट एक बार में आएगा, उस रिजल्ट का आना बाकी सबको रोक देता है, ऐसे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल, क्वाइन के केस में हेड का आना टेल के आने को रोक देगा एक सिंगल टॉस पे। हमने एक क्वाइन को टॉस किया, एक बार टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आ गया आएगा और टेल आ गया तो फिर हेड नहीं आएगा। इक्वली लाइकली इवेंट्स, आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल इज सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट वन इज प्रेफरेंस टू अदर। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ टॉसिंग ऑफ क्वाइन, हेड और टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब दोनों के आने की प्रॉबेबिलिटी इक्वल है। इन केस ऑफ डाई, ऑल 6 फेसेस आर इक्वली लाइकली, डाई के केस में 1 से लेके 6 तक के जितने भी फेसेस हैं सभी इक्वली लाइकली हैं और इनके आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ़ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर्स, किसी भी इवेंट के होने या ना होने का जो घटना है वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है, ऐसे इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। इन केस फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन, गेटिंग हेड इन फर्स्ट टॉस इंडिपेंडेंट ऑफ गेटिंग हेड इन सेकंड टॉस। एक क्वाइन को हम टॉस करते हैं, दो बार टॉस करके अगर हम चेक करते हैं तो पहली बार हमने टॉस किया तो हेड आ सकता है, दूसरी बार टॉस किया तब भी हेड आ सकता है। इसका मतलब दोनों टॉस जो है, दोनों इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इन केस ऑफ डाई, गेटिंग 3 इन फर्स्ट टॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ गेटिंग 3 इन सेकंड टॉस। ऐसा नहीं है कि पहली बार 3 आ गया तो दूसरी बार 3 नहीं आ सकता है, दोनों ही आपस में, दोनों थ्रोज आपस में इंडिपेंडेंट है, पहली बार भी 3 आ सकता है और सेकेंड टाइम भी 3 आ सकता है। अब अगर हम डेफिनीशन पर आते हैं कि प्रॉबेबिलिटी की डेफिनीशन क्या है, तो तीन तरीके की डेफिनीशन है प्रॉबेबिलिटी में, क्लासिकल और मैथमेटिकल और प्रोबेबिलिटी। इस केस में इफ ए ट्रायल रिजल्ट इन एन एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली केसेस एंड एम ऑफ देम आर फेवरेबल टू बी द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट ई, अगर हम इवेंट को ई का नाम दे रहे हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ई इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल्स टू फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, पी इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय एन। क्यू क्या है, पी हो गया यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर व्हिच इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी, और पी और क्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगी, 0 से कम नहीं होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एन अनबाइज डाई इज थ्रोन, अनबाइज डाई मीन्स ऑल फेसेस ऑफ डाई आर इक्वली लाइकली, लेट ए बी द इवेंट दैट वी ऑब्टेन द नंबर लेस देन 4, देन एन इज इक्वल्स टू, एन मतलब एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस क्या हुआ डाई के केस में, 1 से लेके 6 तक का सैम्पल स्पेस जो कि पूरा है, 1 से लेके 6 तक के सभी नंबर्स कुछ भी आ सकते हैं, और m क्या है, लेस देन 4 होना चाहिए हमारे पास,
लेस देन फोर की हमें प्रॉबिलिटी देखनी है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या हो गया, लेस देन फोर मीन्स तीन ही चीज़ें आ सकती हैं, वन और टू और थ्री, तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस वन टू और थ्री, देन पी ए इज इक्वल्स टू थ्री बाई सिक्स विच इज इक्वल्स टू वन बाई टू। अब क्लासिकल प्रॉबिबिलिटी की ड्रॉबैक्स क्या है, द टर्म इक्वली लाइकली इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ प्रॉबिबिलिटी एंड द टर्म इक्वली लाइकली इज यूज इन डिफाइनिंग प्रॉबिबिलिटी, इट फेल्स व्हेन ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, अगर हमारे सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं हैं तो हमारी क्लासिकल डेफिनेशन वर्क नहीं करेगी। क्लासिकल प्रॉबिबिलिटी कैन नॉट बी यूज व्हेन द सैम्पल स्पेस हैज़ काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर सैम्पल स्पेस में अनकाउंटेबल नंबर्स हैं तो क्लासिकल डेफिनेशन फेल हो जाएगी। अगली डेफिनेशंस के लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स, कुछ एल्जेब्रा की ज़रूरत पड़ेगी, उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स, वी कैन परफॉर्म डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एट्सेट्रा ऑन इवेंट्स। पहला, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट्स, एक हमने इवेंट्स को नाम दे दिया है कि ए और बी हमारे पास दो इवेंट्स हैं, देन ए यूनियन बी इज़ एन इवेंट विच अकर व्हेन आइदर ए और बी और बोथ अकर, ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इज़ एन इवेंट विच अकर्स व्हेन बोथ ए एंड बी अकर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जिसको कि डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इज एन इवेंट विच अकर्स वेन एवर ए डज नॉट अकर, ए कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है, ए और ऊपर छोटा सा सी, ए कॉम्प्लीमेंट, देन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी सी, बी सी बी कॉम्प्लीमेंट बी एन इवेंट विच अकर्स वेन ए अकर्स एंड बी डज नॉट अकर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर ए हमारा है तो दूसरा इवेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट ई डिनोटेड ए डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट, इवेंट ए अकर कर रहा है, व्हेन एवर ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए डज नॉट अकर, देन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी एन इवेंट विच अकर्स व्हेन ए अकर्स एंड बी डज नॉट अकर, ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस माइनस ए, ये जो हमारा नोटेशन है सिग्मा, दिस इज सैम्पल स्पेस माइनस ए, सिग्मा बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ट्वाइस द सैम्पल स्पेस ऑफ द टू रिपीटेशंस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन जनरल द सैम्पल स्पेस ऑफ एन रिपीटेशंस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा अप टू एन टाइम्स, द अकरेंस ऑफ इवेंट ए implies the occurrence of event B, that is whenever event A occur, event B also occur, we denote it by A implies B, in set theory A is subset of B. Since an event is a subset of sample space, it is also a set and we can perform different algebraic operation like union, intersection, complement, etc. Union. फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी, ये जो यू जैसा नोटेशन है यूनियन का है, ए यूनियन बी इज एन इवेंट विच अकर्स व्हेन आइदर ए और बी और बोथ अकर, अगर हमारे पास ए से लेके के तक, ए वन से लेके ए के तक के इवेंट्स हैं, देन ऑल यूनियन ऑफ ए आई, आई इज इक्वल्स टू वन टू के, बी एन इवेंट विच अकर्स व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए आई अकर्स, इंटरसेक्शन ये जो उल्टा यू जैसा साइन बनता है, दिस इज दिस कॉल्ड इंटरसेक्शन, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, ए बी एंड इवेंट विच अकर्स व्हेन बोथ ए और बी अकर, इन जनरल फॉर के इवेंट्स, अगर ऊपर की ही तरीके से हमारे पास के इवेंट्स हैं तो ए वन से लेके अप टू ए के या ए एन तक इवेंट्स हैं, तो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ए आई इज इक्वल्स टू वन टू के ए आई be an event which occurs when all of the event AI occurs. Complement, complement of an event denoted by A complement is an event
विच अकर्स वेन एवर ए डज नॉट अकर्स. नेक्स्ट डिफरेंस फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी. ए ये डिफरेंस का साइन है. ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी एंड इवेंट विच अकर्स वेन ए अकर्स एंड बी डज नॉट अकर्स. ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस डिफरेंस ए. कार्टेशियन प्रोडक्ट लेट सिग्मा बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ट्वाइस द सैम्पल स्पेस ऑफ टू रिपीटेशंस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा इज इक्वल्स टू ओमेगा वन ओमेगा टू सच दैट ओमेगा वन ओमेगा टू फॉलोज सिग्मा. इन दिस जनरल द सैम्पल स्पेस फॉर एन रिपीटेशंस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सिग्मा टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन द सैम्पल स्पेस इज एक क्वाइन को हम टॉस कर रहे हैं देन सैम्पल स्पेस हेड एंड टेल. हाउ एवर द सैम्पल स्पेस इन टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन टू टाइम्स. अगर हम क्वाइन को दो बार कर रहे हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा हमारा. सिग्मा इज इक्वल्स टू एच 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 टी टी एच टी टी. मतलब पहले टॉस में हमारे पास एच आया हेड आया दूसरे टॉस में भी हेड आया पहले टॉस में हेड आया दूसरे टॉस में टेल आया पहले टॉस में टेल आया दूसरे टॉस में हेड आया और पहले टॉस में टेल आया और दूसरे टॉस में भी टेल आया. इससे ज़्यादा हमारे पास आउटकम्स का स्पेस नहीं हो सकता था आउटकम्स के पॉसिबल आउटकम्स नहीं हो सकते थे तो सैम्पल स्पेस हमारा ये होगा. इफ़ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इम्प्लाइज द अकरेंस ऑफ इवेंट बी दैट इज़ वेन एवर इवेंट ए अकर्स इवेंट बी ऑल्सो अकर्स. वी डिनोट इट बाई ए इम्प्लाइज बी. इन नोटेशन ऑफ सेट थ्योरी इफ ए इम्प्लाइज बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ थ्रोइंग ऑफ ए डाई ए इज इक्वल्स टू 2-4 बी द इवेंट दैट आउटकम इज आइदर 2 or 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 2-4-6 इज द इवेंट ऑफ आउटकम इज एन इवन नंबर वेन एवर ए अकर्स बी ऑल्सो अकर्स. दैट इज ए इम्प्लाइज बी सो दैट ए इज सबसेट ऑफ बी. नाउ एक्सियोमैटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. जो अभी हम लोगों ने एल्जेब्रिक इवेंट्स पढ़े हैं जो नोटेशंस पढ़े हैं ये एक्सियोमैटिक डेफिनेशंस उनको फॉलो करती है और उनको देखती है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन से एक्सियोम्स ये डेफिनेशन फॉलो करेगी. देन एक्सियोमैटिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी लेट सिग्मा बी द सैम्पल स्पेस विद ईच इवेंट ए. वी एसोसिएटेड अ रियल नंबर पी ए प्रॉबेबिलिटी ए कह सकते हैं. कॉल द प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सियोम्स. जो हमारी प्रॉबेबिलिटी है वो फॉलोइंग फोर एक्सियोम्स जो हैं उन्हें फॉलो करेगी. क्या क्या एक्सियोम्स हैं. प्रॉबेबिलिटी ए 0 से 1 के बीच में लाए करेगी. ये सब इससे पहले भी पढ़ा है कि प्रॉबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी ना 0 से कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी. एक्सियोम 2 प्रॉबेबिलिटी ऑफ सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 यानी कि अगर हम सबका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सारे आउटकम्स का तो 1 होगा. एक्सियोम 3 फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. एंड एक्सियोम 4 फॉर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए 1 ए 2 अप टू ए एन इज ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल्स टू 5 For every I does not is equals to J, then AI for all I, probability of union of AI is equals to summation of AI. The function P satisfying above axiom is called the probability measure. Axiom 4 of the probability measure is also called countable identity, countable additivity. Now relative frequency ratio. Let an event A occurs n A times in n repetitions of a random experiment. Relative frequency ratio is defined as F A is equals to n A divided by n. Obviously, 0, F A lies between 0 to 1. F A is equals to 1 if and only if A occurs every time in the n repetitions of the experiment.
एफ ए इज इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए नेवर अकर्स इन एन रिपीटिशंस फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी एफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ बी एज एन इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट एफ ए कन्वर्जेस टू पी ए इन सर्टेन प्रोबेबिलिस्टिक सेंस दिस प्रॉपर्टी गिव्स इम्पेरिकल और स्टैटिस्टिकल प्रॉबेबिलिटी. नाउ इम्पेरिकल और स्टैटिस्टिकल प्रॉबेबिलिटी. द स्टैटिस्टिकल प्रॉबेबिलिटी अप्रोच कैन बी यूज फॉर एस्टिमेटिंग प्रॉबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इम्पेरिकली बट इट ऑल्सो डज नॉट सर्व एज ए जनरल डेफिनेशन ऑफ प्रॉबेबिलिटी. इट इज ऑल्सो द एक्सियोमेटिक अप्रोच विच लीड्स टू प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द प्रॉबेबिलिटी थ्रू द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉबेबिलिटी हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस दे डू नॉट प्रोवाइड द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द प्रॉबेबिलिटी. रिजल्ट्स जिन्हें कि इस चैप्टर में प्रूव किया गया है, ये कुछ रिजल्ट्स आएंगे. इनका प्रूफ अभी आगे की स्लाइड्स में है, वो भी देख सकते हैं. एक एक करके प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू वन माइनस पी ए, प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी नॉट नेसेसरीली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. If A implies B, then probability of A less than is equals to probability of B. Probability of occurrence of exactly one of the events A and B is given by probability of A intersection B complement union A complement intersection B is equals to probability of A plus probability of B minus 2 probability of A intersection B. Again, probability of A union B union C is equals to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of A intersection C minus probability of B intersection C plus probability of A intersection B intersection C. इन सभी के रिजल्ट्स नेक्स्ट स्लाइड में प्रूफ है. सबसे पहला ऊपर वाला प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. एक्सियोम्स में अगर हम चलते हैं तो एक्सियोम्स में हम पढ़ चुके हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फाइव. दस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. फर्दर ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सिग्मा. A intersection A complement is equals to sigma. Hence, probability of A intersection A complement is equals to probability of sigma. Probability of A plus probability of A complement is equals to 1. Axiom 2 and axiom 3, जो कि हमने पहले पढ़े थे. Axiom 2 और axiom 3, यहाँ से अगर हम देखते हैं, रिजल्ट आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. एक्सियम 2 और 3 का यूज किया यहाँ पर और ये रिजल्ट हमारा आ गया. नेक्स्ट प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वी ऑब्जर्व दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू A intersection B complement which is equals to A intersection phi is equals to phi. So that A intersection B and A intersection B complement are mutually exclusive events. Further, A intersection B intersection A intersection B complement is equals to A intersection B complement A intersection phi is equals to A. Hence, probability of A intersection B union A intersection B complement is equals to probability of A. इसको रीअरेंज किया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सियम 3 को यूज़ करते हुए, इसमें एक्सियम 3 को यूज़ किया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. यही यहाँ पर हमको प्रूव करना था, रिजल्ट आ गया. नेक्स्ट इज प्रूव दैट टू इवेंट्स ए एंड बी आर नेसेसरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. Then probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. B, we can write A union B is equals to A union A complement intersection B.
अगेन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाइव, सो दैट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, फर्दर यूजिंग रिजल्ट टू, इससे पहले जो सेकेंड रिजल्ट था उसको यूज़ किया इसके केस में, वी हैव probability of A complement intersection B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Hence, we can obtain probability of A intersection B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Next, prove that if A implies B, then probability of A less than is equals to probability of B. If A implies B, that is A is subset of B, then we can write B is equals to A union A complement intersection B. Since A and A complement intersection B are mutually exclusive event, we have probability of B is equals to probability of A plus probability A complement intersection B. Further utilizing probability of A complement intersection B greater than is equals to 0, then the result follows probability of A less than is equals to probability of B. Next, prove that probability of occurrence of exactly one of the events A and B is given by probability of A intersection B complement union probability of A complement intersection B, which is equals to probability of A plus probability of B minus 2 probability of A intersection B. Iska proof. Then occurrence of exactly one of the two events A and B can be written as A intersection B complement union A complement intersection B. Since A intersection B complement and A complement intersection B are mutually exclusive events, we have probability of A intersection B complement union A complement intersection B is equals to probability of A intersection B complement plus A complement intersection B. Further utilizing the result 2, we have probability of A intersection B complement union A complement intersection B is equals to PA minus PA intersection B plus PB minus PA intersection B, which is equals to PA plus PB minus 2P probability A intersection B. This leads the required results. ये सारी theorems को करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, practice के बाद ही एकदम ईजी गोइंग हो जाएंगी, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी. अब लास्ट में अगर हम आते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा, समरी पूरे चैप्टर की, पूरी यूनिट की समरी. दोज एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम्स डिपेंड्स ऑन चांस आर कॉल्ड रैंडम और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स. सेकेंड, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैम्पल स्पेस. नेक्स्ट, a subset of sample space defined as an event. Next, various definitions of the probability of occurrence of an event are given, jo ki padh chuke hain, mathematical definition, axiomatic definition aur statistical definition. In classical or mathematical definition of probability, it defines as the ratio of the favorable outcomes of the total number of outcomes provided outcomes in the sample space are mutually exclusive, exhaustive and equally likely to occur. In a statistical definition, we calculate the probability by relative frequency or occurrence of event provided experiment has been repeated essentially under the similar condition of the sufficiently large number of times. And in axiomatic definition, it is defined as the real number of lying between 0 and 1 inclusive of both provided following three conditions are satisfied. Number 1, PS is equals to 1. Second, probability of phi is equals to 0. And third, probability of union of AI, which is equals to summation of probability of AI, where AI are mutually exclusive events. इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इस यूनिट में प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स था,
प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस क्या क्या थी, किस तरीके से उनकी डेफिनेशंस को यूज़ किया गया है, किस तरीके से वो डेफिनेशंस थी, और उन डेफिनेशंस में या प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यूज़ होने वाले टर्म्स जो हमारे यूज़ हुए हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली, ये सब इवेंट्स का जो डेफिनेशन है, वो सारा कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें थ्योरेटिकली इसमें हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की होगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसको एक बार आप सब स्टडी करेंगे अच्छे से और एक बार प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।